तो दोस्तों ये है हमारा Vivo वाइब बार फोन। इसका हम कॉल रिकॉर्डिंग कैसे ऑन ऑफ करते हैं सब कुछ ए टू जेड आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चले जाना है अपने सेटिंग में। सेटिंग का ऑप्शन आपको देखना है, सेटिंग में क्लिक करना है। जो सेटिंग पर क्लिक करके आपको चले जाना है दोस्तों, मैं सिखाऊंगा वैसे करना है आपको। तो सबसे पहले दोस्तों सिस्टम ऐप सेटिंग आपका ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसका क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा फ़ोन का, फ़ोन पर क्लिक करना है। फ़ोन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखो दोस्तों चौथे नंबर पे दिखाई देगा, एक दो तीन और चौथे नंबर रिकॉर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। तो दोस्तों पहले में डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ऑप्शन आएगा, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब आप चाहो तब रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑप्शन पर, तब आपका रिकॉर्ड ऑन ऑफ होगा दोस्तों। तो डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली पर दोस्तों आपका कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको इसमें कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जब आपका फ़ोन लगेगा या फोन आएगा तो तुरंत ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा। दोस्तों तीन नंबर पर रिकॉर्ड कस्टम कॉल ऑटोमेटिकली, यानी कि आप जिसका नंबर चाहते हो उसका ही नंबर रिकॉर्ड कर सकते हो, दूसरे का नहीं होगा तो नहीं होगा। तो दोस्तों जब आप उसको क्लिक करोगे तो कस्टम पर क्लिक करोगे जब आप, तो दोस्तों प्लस वाला आइकन दिखाई देगा ऊपर कोने में। आपको यहाँ कुछ नंबर नहीं शो होगी तो प्लस पर क्लिक करना है आपको। प्लस क्लिक करना रिसेंट, दोस्तों अभी रिसेंट आपने जो कॉल किए हैं जो कॉल आए हैं उसका रिकॉर्ड ऑन ऑफ कर सकते हो। तो उसको यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करके उसका जो चाहो चुन सकते हो, डन पर क्लिक करोगे तो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, और जो जिसका फ़ोन नंबर चाहते हो उसका। कॉन्टैक्ट में जाकर दोस्तों आपका कॉन्टैक्ट में सेव है उसी का नंबर, और जो एड एंड मेन्यू में जाकर दोस्तों आपको नंबर जो ऐड करोगे एड मेन्यू में वही नंबर आपका रिकॉर्ड होगा, उस नंबर को कॉल आएगा करोगे तब ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये कस्टम कॉल रिकॉर्डिंग दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको चाहते हो तो कर सकते हो, मैं इसको करना नहीं चाहता तो मैं इसको बैक कर दूंगा, कैंसिल करके वापस चला जाऊंगा। तो कॉन्टैक्ट में आपको जो जो था कॉन्टैक्ट का नंबर भी रिकॉर्ड करो, और रिसेंट में आपका जो नंबर भी आए जो आपने अभी करे है उसका नंबर, तो दोस्तों मैं कैंसिल पर क्लिक कर दूंगा, मैं एक नहीं करूँगा दोस्तों, फिर वापस चला जाऊँगा। तो दोस्तों हमें ऊपर वाला दो ऑप्शन, पहला और दूसरा, तो रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली पर क्लिक करोगे तो आपका कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होने लगेगा। तो दोस्तों चलिए हम चेक करते हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो दोस्तों मैं एक कॉल करूँगा अभी, तो मैंने फ़ोन कर दिया, फ़ोन किया है, तो अभी फ़ोन जब भी वो रिसीव होगा और फ़ोन जब उठाएंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक रिकॉर्ड चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गया दोस्तों, एक दूसरा वाला, ठीक है दोस्तों फिर से सेटिंग में जाने के बाद डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिक इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखोगे तो फिर से मैं कॉल करूँगा। तो फिर से कॉल करने के बाद दोस्तों देखो, और कॉल जब उसको सामने उठाएंगे तो दोस्तों हम चाहे तब रिकॉर्ड होगा, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड नहीं होगा। दोस्तों सामने देखो फ़ोन अभी रिसीव हो चुका है, तो अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो मैं इसको दबाऊंगा तब भी रिकॉर्ड होगा, इसको दबाऊंगा तो फिर से बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्ड चालू बंद ऐसे डोंट ऑटोमेटिकली मैं पहले नंबर पर क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों आपको जो चाहे वो आप कर सकते हो। तो मेरा सजेशन कि आपको सभी कॉल रिकॉर्ड करने तो आप डोंट रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली पर क्लिक करके रखें। तो दोस्तों ये आपका पूरा प्रोसेस, तो दोस्तों ये रिकॉर्ड कस्टम कॉल ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो चार नंबर कर सकते हो। तो मैं अभी रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली क्लिक किया हूँ। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे ऑन ऑफ करना है, सब कुछ आपको वीडियो में बताया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए और पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले दोस्तों आपको मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।